1 and 0. Okay, number 10 has an importance in it because this is an important number. We also count and take the number of 10 as tens. मैथमेटिक्स में जो 10 नंबर है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो मैथ्स में नंबर होते हैं वो टेंस वाले ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. उनको पहले हम जब भी काउंटिंग लिखते हैं पहले हम वंस लिखते हैं फिर हम टेंस लिखते हैं. अभी हमारे पास 1 to 9 के बाद जो नया नंबर आता है दैट इज 10. क्योंकि ये 1 9 1 9 1 9 है इसके बाद 1 10 आ जाता है. इसको दूसरी तरह भी हम सीख सकते हैं जैसे काउंट दीज बॉक्सेस. हाउ मेनी बॉक्सेस आर दीज. इन बॉक्सेस को काउंट करें ये कितने बॉक्सेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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
टेन है, जब हमारे पास टेन और हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टू टेन्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टू टेन्स, और अगर हम थ्री कर लेंगे तो थ्री टेन्स हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम इसके साथ वन बॉक्स ऐड कर लेंगे, टेन एंड वन विल बी हाउ मेनी, व्हाट विल बी टेन एंड वन, इलेवन, टेन वन इलेवन, टेन एंड जीरो विल बी वन, टेन एंड टू वन्स विल बी व्हाट नंबर, ट्वेल्व बन जाएगा ये, आपको वन टेन देन एड वन मोर बॉक्स हियर, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, थर्टीन बन जाएगा। इसके साथ जैसे जैसे हम एड करते जाएंगे, ये क्या है, इनको हम टेन्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, टेन, हमारे पास कितना टेन है, वन टेन, और इधर आ जाएगा 14, दिस इज द फैमिली ऑफ 14, एड वन मोर, व्हाट विल बी 15, देन एड वन मोर विल बी 16, वेरी नाइस, this will be 17, then 18, very 18, then 19, अब मुझे ये बताएं कि अब 19 के बाद क्या आएगा, 20 क्यों आएगा, बिकॉज हमारे पास 20 क्यों आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास टू टेन्स नंबर्स हो जाएंगे, कितने नंबर्स हो जाएंगे, टू टेन्स हो जाएंगे, मजीद वंस को ऐड करेंगे, हमारे पास टू टेन की फैमिली वन को ऐड करते जाएंगे और सेम पैटर्न को लेते जाएंगे। नहीं मेरा समझ आई आपको, टेन हैज एन इम्पोर्टेंस इन इट बिकॉज वी आर आल्सो राइटिंग द नंबर्स इन टेन्स, हम नंबर्स को टेन्स में भी लिखते हैं। कैन यू राइट द नंबर्स ऑन योर नोटबुक फ्रॉम 0 to 10, इट विल बी इजी फॉर यू। ये देखें, इसको यूनिट्स भी बोलते हैं और हम इसको वंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिट्स भी बोलते हैं और वंस भी बोलते हैं, यूनिट्स भी बोलते हैं और वंस भी बोलते हैं, जीरो नहीं बोलते, यूनिट्स एंड वंस बोलते हैं नंबर्स को,
और ये हमारे पास 110 आ जाता है और वन यस इनको यूनिट्स भी बोलते हैं और वंस भी बोलते हैं हमने बहुत सारी शेप्स भी देखी होती हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं हम आज बेसिक शेप के नेम्स पढ़ेंगे सर्कल सर्कल स्क्वायर स्क्वायर एंड ट्रायंगल 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 ये जो है ये बेसिक शेप्स हैं ट्रायंगल What is the name of this shape? Circle. Circle. A circle is the round shape. It has no corners. इसकी कोई corner नहीं होता. No. बल्कि इसकी one side होती है. Color of this circle is blue. One side होती है. Circle के कोई corners होते हैं? No. नो सर्कल के कोई कॉर्नर्स नहीं होते और इसकी कितनी साइड्स होती हैं वन जी नो साइड नो वन सर्कल की वन साइड होती है ये देखें अब हम सर्कल को किन किन चीजों में फाइंड कर सकते हैं ये कौन कौन सी चीजों में सर्कल शेप होती है जैसे व्हाट इज दिस ये क्या है टायर की जो शेप है टायर पिज़्ज़ा क्लॉक टायर की शेप जो है वो सर्कल जैसी होती है पिज़्ज़ा क्लॉक पिज़्ज़ा की शेप सर्कल जैसी होती है पिज़्ज़ा क्लॉक की भी मैम सर्कल जैसी बिल्कुल आप में से कोई बच्चा मुझे और बता सकता है कि क्लॉक टायर और किस किस चीज की शेप सर्कल होती है व्हिच थिंग्स आर हैविंग द सर्कल शेप पंखा Yes, Hussain? Plate. Plate, yes. Excellent example. Plate. Is the plate. Very nice. Coin. What shape is this? Square. It's a square shape. Square. Yes, it's a square shape. Square shape में क्या होता है? It has four corners. Let's count how many corners it is having. One, two, three, four. How many corners having? Four. और इसकी corners sides होते हैं. One. Sides भी count करें. Peach. One. Peach. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Square has four corners and a square has four sides. अब आपको पता है corners किसको कहते हैं? Corners किसको कहते हैं? जो कोने होते हैं. Corner ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं आपस में. वो edge बन जाता है. Vertices भी बोलते हैं इसको. समझ आ रही है आपको yes, ma'am. ये देखें अभी हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में जो शेप्स हैं अ विंडो इज हैविंग दिस स्क्वायर शेप एंड टेबल इज आल्सो हैविंग दिस स्क्वायर शेप अब आप मुझे बताएंगे कि आप अपने गिट्स शेप में कौन कौन सी चीजें देखते हैं बुक बुक टेबल बुक विंडो एंड फाइंड आउट अनदर थिंग फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम यस वेरी गुड फोटो फ्रेम एंड टेबल 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 यू कैन वॉच टेल मी समथिंग न्यू रेक्टेंगल रेक्टेंगल No, rectangle. No, we are learning about square shape and we are finding the square shape. Your whiteboard is
शीशा वाला द्वार वो भी होता है हैविंग द स्क्वायर शेप sometimes mirror in your room is having the square shape what shape is this triangle it is a triangle shape isko kya bolte hain hum is shape ko kya bolte hain triangle shape yes let's count its sides and its corners इसके sides और इसके corners को count करते हैं सबसे पहले हम इसके corners को count करते हैं इसमें कितने corners है 1 2 3 4 है count with me again 1 3 Yes, 1, 2, 3. How many corners it has? 1, 2, 3. Yes, it has 3 corners. And how many sides it has? 1, 2, 3. Exactly. इसकी 3 sides हैं और इसके 3 corners हैं. और आपको याद है ना corners किसको कहते हैं corners उस जगह को कहते हैं वेयर टू लाइंस मैच जहां पे दोनों लाइनें मिल जाती हैं यस मैम मुझे याद है लेट्स फाइंड आउट द ट्रायंगल शेप्स थिंग्स अराउंड अस व्हाट इज दिस वाओ वेरी नाइस मुस्तफा वेरी नाइस यस व्हाट यू कैन सी इन ट्रायंगल शेप अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा Wow, very nice. Good. Yes, that's nice. A pizza pie is having the triangle shape. Party cap is having the triangle shape. And also, sometimes the mountain is also like the triangle shape. Hill is also like that. अब आपने क्या करना है? आपने इनकी cuttings बनानी है colored paper में ना? और आपने उनकी साइड्स को याद रखना है उनके नामों को याद रखना है और उनके कॉर्नर्स को याद रखना है ठीक है शेप्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजों की शेप्स मेजरमेंट्स देखते हैं आगे जाके और हमें उनकी मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है उनको डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है मैथमेटिकली और उनके जरिए से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसलिए शेप्स आर इम्पोर्टेंट इन मैथमेटिक्स दिस वर्कशीट आई विल शेयर विद यू दिस विल बी अगेन लाइव वर्कशीट योर वॉइस इज वेरी लो यस आई विल शेयर दिस वर्कशीट विद यू एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस ऑनलाइन आप लोगों के साथ जो मैं ऑनलाइन वर्कशीट्स शेयर करती हूँ आपने वो अटेम्प्ट की हैं पहले यस मैम इट इज इजी नो मैम यस मैम तो मोबाइल पे भी हो जाती हैं कंप्यूटर पे भी हो जाती हैं दैट इज क्वाइट इजी अगेन आई विल शेयर विद यू चलें अभी हमने नंबर्स पढ़े हैं आप मुझे बताएं व्हाट कम्स आफ्टर 3 4 ओके हियर कम्स 4 कम्स आफ्टर 3 दिस 4 व्हाट कम्स आफ्टर 2 ओ मैम व्हाट कम्स आफ्टर 2 3 I was right here 3 What comes after 4 5 Oh that means I'm wrong 5 Yes What is coming 5 Let me write 5 Very nice
every time when we are finding the after numbers, we are getting the next number. ऐसे ही है. अब ये देखें कि जब हम एड मोर करते हैं तो क्या होता है. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर? टू बर्ड्स आर देयर. इफ वन मोर बर्ड जॉइन्स विद देम, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी देयर? इफ वन मोर कम्स देयर, व्हाट, हाउ मेनी विल बी देयर? थ्री. Now there are three birds ho gaye na. What we have done, humne kya kiya hai, humne ek aur ko add kiya hai, isko kehte hain one more. We have added one more. Humne kya kiya hai, humne ek aur add kiya hai, one more add kiya hum. Let's see how we can add one more. When we add a number with one, we get the next number. Or after number, जब भी हम कभी भी किसी भी number में one more add करते हैं, at that time we are getting the next number. जैसे अभी हमारे पास कौन सा number है? Two. If we are adding one more number, what we will get? Number three. और इसी तरह अगर हमारे पास four है, तो फोर में वन मोर ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, व्हाट नंबर वी विल गेट? अगर हमारे पास फोर नंबर ऑलरेडी है एंड वी वांट टू ऐड वन मोर नंबर, व्हाट नंबर फाइव वी विल गेट? फाइव नंबर, फाइव नंबर, फाइव नंबर, फाइव नहीं नंबर फाइव. एवरी टाइम वी विल गेट नंबर, नेक्स्ट नंबर. और अगर एट नंबर है and we add one more, what number we will get? Eight. Make one more add hoga to six. No Mustafa, eight. No, one eight more. One more add hoga. Four. No, where is eight? I am standing on the eight number. Tell me, if I add one more, what I will get? One more. Look, every time I have to jump right side for more number. जब भी हम one more करेंगे, उसका मतलब है next number मिलेगा. कौन सा number मिलेगा? Next number. After number मिलेगा. If I have nine and I want to add one more, what number I will get? तो मुझे कौन सा number मिलेगा? Ten. It will be ten. Yes, that's very nice. It's so simple. Whatever the number you are having, जो number भी आपके पास है उसमें one add करेंगे तो it will change in the next number. किस में change हो जाएगा? Next number में change हो जाएगा. चले, how many buttons on the gingerbread man? कितने buttons हैं gingerbread man पे? Three buttons already हैं. And we are adding one more button. This one is one more button. How many buttons will be there? Four ho jayenge. This is the smallest numbers we are using for your information. And you can use these numbers gradually increasing them. Or agar udhar already, now there are already four numbers, then I will add one more number. How many numbers of beads will be there on the gingerbread? Five. Yes, every time one number will increase. अब ये देखें, हम इन चीजों को number line के साथ भी show कर सकते हैं. This one is called the number line. आपकी एक activity ये भी होगी कि आप number line draw करेंगे from 1 to 10 on your notebook. Draw one four more apple, right? How many apples are there? Four. Here are four apples. I will draw one more apple. Four. Look here. How many apples will be these? Five. How many? Five. Yes, there will be five. Means every time we are adding, we are getting the next number.
and we are getting the forward number, after number. I will share this worksheet with you. This will be also online worksheet. आपने इन numbers को देखना है और आपने इन numbers को नीचे से drag and drop करना है. ये drag and drop activity होगी. जैसे 8 plus 1 add 1 more will be like this. You will drag how many will be there, 1 add more, how many numbers will be there. You will find out from these boxes. आप इन boxes में से उसको find करेंगे और फिर उसको वहां पे लिख देंगे, drag कर देंगे.